नमस्कार जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ कार्तिक सालुंग के आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ बंधुओं पिछले कुछ दिनों से हमने वामपंथियों द्वारा किस प्रकार से हमारी शिक्षा व्यवस्था में एक गलत तरीके से प्रचार किया गया है वो हमने समझ कर लिया वामपंथियों का सच्चा इतिहास क्या है ये हमने समझ कर लिया और विदेशी लेखकों ने इनका कथन किस प्रकार से किया है लेखन किस प्रकार से किया है इन वामपंथियों का रक्तरंजित इतिहास किस प्रकार से है ये हमने रेफरेंसेस के साथ यहाँ पर समझ कर लिया है आज भी हम ऐसे ही महत्वपूर्ण बातें समझ कर लेने वाले हैं बंधुओं एक बात हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी स्वतंत्रता मिलने के बाद जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी इन कांग्रेसी सत्ताधीशों ने मार्क्सवादी वामपंथियों के साथ मिलकर भारत का मूल इतिहास को ही विकृत करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे देश में किया और उसका ही फल हम देख रहे हैं आज हमारे भारत के संपूर्ण जो युवा हैं, हमारे छात्र हैं वो भुगत रहे हैं हमारे साथ हिंदू जन समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सदगुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी उपस्थित है नमस्कार सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी नमस्कार कार्तिक जी। शिक्षा का भगवाकरण करने वाले ये वामपंथी किस प्रकार से चिल्लाते हैं किस प्रकार से एक डिंडोरा पीटते हैं ये हमने कल समझ कर लिया परंतु आज अगर हम देखते हैं तो पाठ्य पुस्तकों में भी इतिहास के इतिहास में एक विकृतिकरण हो रहा है तो यहाँ पर ऐसे बताया जाता है कि अकबर था या औरंगजेब है या टीपू सुल्तान है इनका महिमामंडन किया जाता है या इनको भारतीय राष्ट्रीयता का प्रतीक वहां पर एक सबके सामने लाने का एक प्रयास किया जाता है तो हमारा प्रश्न ऐसे है कि हमारे देश में भारत भारत का अगर हम देखते हैं तो त्याग करने वाले हमारे जो आदर्श थे राष्ट्रपुरुष थे छत्रपति शिवाजी महाराज हो या महाराणा प्रताप हो या फिर रानी दुर्गावती हो इन्होंने त्याग किया था राष्ट्र के लिए त्याग किया था एक अच्छे समाज का निर्माण किया था हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी तो इन्हें हमें राष्ट्रीयता का प्रतीक मानना चाहिए या फिर ये जो लुटेरे थे इन्होंने भारत को लूटा है या हमारे महिलाओं की आबरू लूटी थी मंदिर तोड़े थे हमारे ऊपर जबरदस्ती जिजिया कर लगाया था तो ये अकबर या फिर औरंगजेब और ये टीपू सुल्तान जैसे तो राष्ट्रीयता का प्रतीक किसे मानना चाहिए इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं जी कार्तिक जी वामपंथियों का या ये कम्युनिस्ट लोगों का जो विरोध है वो मूलतः हिंदू धर्म और भारत विरोध होने के कारण राम मंदिर के निर्माण के लिए विरोध हो ही रहा था ऐसे ध्यान में आता है क्योंकि मूलतः ये कम्युनिस्ट जो विचारधारा है मार्क्स की जो विचारधारा है वो यूरोप में जो रिलीजन या क्रिश्चैनिटी है तो इसके विरुद्ध उसका रिवॉल्व करने के बाद उसने यह एक कम्युनिस्ट विचारधारा का नया तत्वज्ञान दुनिया के सामने रखा था और उस क्रिश्चियनिटी में मनगढ़ंत कहानियाँ हैं और ये वास्तविक नहीं है ऐसे उनको लगता था करके यूरोप में या अंग्रेजी भाषा में या क्रिश्चियनिटी में वो माइथोलॉजी शब्द का यूज़ करते हैं मतलब उनको धार्मिक परंपरा का जो इतिहास है वो एक काल्पनिक और एक झूठा लगता है तो उनके इसमें ये ज्ञान नहीं है कि रिलीजन क्या है धर्म क्या है और वामपंथियों ने केमनिस्टों ने रिलीजन को अफीम माना था क्योंकि वो झूठा इतिहास बताते हैं काल्पनिक कथा बताते हैं और उसके कारण पूर्ण क्रिश्चियनिटी या यशु का जन्म भी एक काल्पनिक है यशु एक काल्पनिक पात्र है ऐसे भी क्रिश्चियन समाज से आरोप किए जाते हैं भारत में भी उन्होंने धर्म को अफीम माना और वो जो अंग्रेज़ों का शब्द था माइथोलॉजी वो भी भारतीय स्क्रिप्चर्स या धर्म परंपराओं को उन्होंने लगाकर राम को काल्पनिक है ऐसे बताना शुरू कर दे जबकि उनको पता था कि संपूर्ण भारत की सभी हिंदू धर्मियों की जो आस्था है वो प्रभु श्री रामचंद्र है फिर भी राम मंदिर के निर्माण में या राम मंदिर का जो न्यायालय के द्वारा निर्णय आना चाहिए था उसमें किस प्रकार केम्युनिस्टों ने हस्तक्षेप किया उसमें किस प्रकार केम्युनिस्टों ने हस्तक्षेप करके उसको विलंब लगे जल्दी निर्णय ना आए इस तरह का प्रयास किया और इस राम मंदिर के न्यायालयीन प्रक्रिया से समाज विभाजित हो उनमें असंतोष हो इस प्रकार का पुरजोर प्रयास इन वामपंथियों ने कम्युनिस्टों ने किया ऐसे दिखाई देता है क्योंकि अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि के केस के संदर्भ में जो विलंब हुआ उसके लिए कम्युनिस्ट कैसे जिम्मेदार थे या उन्होंने कैसे षड्यंत्र रचा था वह अभी हम समझ लेंगे उन्नीस में अलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ की पीठ में यह न्यायालीन प्रक्रिया शुरू हुई थी और 21 वर्ष के उपरांत 2010 में उसका एक रिजल्ट आया था उसके ऊपर न्यायालय ने निर्णय दिया था और केस समाप्त हो गई थी परंतु इस सब प्रक्रिया और विलंब के लिए जे और अलीगढ़ विश्वविद्यालय में जो तथाकथित विशेषज्ञ गवाह जिसको हम एक्सपर्ट एविडेंस कहते हैं तो यह वामपंथी कैम्युनिस्ट टोली ने कैसे एक झूठे विशेषज्ञ गवाह यानी एक्सपर्ट एविडेंस का एक समुदाय या एक टोली बनाकर उन्होंने कैसे न्यायालय के समय को बर्बाद किया कैसे इस राम जन्मभूमि के, के केस का निर्णय होने के लिए उन्होंने विलंब किया वो सब पार्श्वभूमि भी समझ कर लेना हमें आवश्यक है अदालत के आदेश के अनुसार मंदिर और मस्जिद दोनों को अपने जो विशेषज्ञ गवाह है, जिसको हम एक्सपर्ट एविडेंस कहते हैं उसको नियुक्त करने का अधिकार दिया था अब इस अवसर पर एक और सुन्नी वक्त बोर्ड था और दूसरे और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी इनके द्वारा जो नियुक्त थे एक्सपर्ट इविडेंस उन्होंने बिना किसी तथ्य बिना किसी प्रमाण बिना किसी आधार के यह कहना शुरू कर दिया कि श्री राम मंदिर के पक्ष में बताने जाने वाले जो सबूत है वो सब झूठे हैं जबकि दूसरी ओर मीडिया में अपनी पहचान का उपयोग करते हुए इन कम्युनिस्ट और वामपंथी लोगों ने क्या किया कि जनता को भड़काने वाले प्रचार मीडिया से शुरू कर दिए अब इन कम्युनिस्टों का वामपंथी विशेषज्ञ का कहना भी क्या था वो हम समझ कर लेंगे वे कह रहे थे कि राम मूलता यह कोई इतिहास पुरुष है नहीं राम यह एक काल्पनिक पात्र है काल्पनिक व्यक्ति है और केवल आस्था किसी की आस्था है कि राम हुए थे तो आस्था होना यह कोई वैध इतिहास का कोई प्रमाण नहीं हो सकता ऐसे उन्होंने बिना किसी तथ्य और प्रमाण के कहना शुरू कर दिया वर्तमान अयोध्या को वाल्मीकि द्वारा लिखित अयोध्या मानना यह गलत है वह भी यह कह रहे थे एक तरफ तो कह रहे थे कि राम काल्पनिक है कह रहे थे और दूसरी तरफ ये भी कह रहे थे कि वाल्मीकि ने जो वर्णन किया उस अयोध्या को इस वर्तमान अयोध्या को ही मानकर चलना ये भी गलत है और राम कहानी में अनेक भेद इस बात के प्रमाण है कि वाल्मीकि संस्करण सटीक नहीं है अब क्या है कि मूल जो रामचरित्र मानस है जो वाल्मीकि का हो या तुलसीदास जी का हो तो मूलतः कुछ वामपंथी या कुछ अंग्रेजी इतिहासकारों ने कुछ कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने मूलतः कुछ मूल धार्मिक ग्रंथों को ही विकृत करके उसमें कुछ मनगढ़त कहानियाँ डाल के हमारे धर्मग्रंथ महाभारत रामायण को झूठा करने का पहले से प्रयास शुरू कर दिया था तो कुछ कुछ ग्रंथों के प्रकाशन में कुछ भेद राम के जीवन चरित्र के बारे में दिखाई दे रहे थे तो उस भेद को लेकर इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि वाल्मीकि संस्करण सटीक नहीं है यानी मूल राम काल्पनिक है यह आस्था पर आघात करना दूसरा जिस महर्षि वाल्मीकि ऋषि ने यह लिखा था उस महर्षि वाल्मीकि ऋषि के संस्करण ही सटीक नहीं ऐसा बताकर दूसरा आरोप करके उन्होंने लोगों में भ्रम निर्माण करने का प्रयास किया न्यायालय को दिशाइन करने का प्रयास किया राम मंदिर के न्यायालयीन प्रक्रिया को विलंब करने का प्रयास किया और समाज में एक असंतोष और भड़कव वातावरण निर्माण करने का प्रयास किया था उसके बाद इन कैम्युनिस्ट और वामपंथी इतिहासकारों ने यह कहना शुरू कर दिया कि बौद्ध ग्रंथों में जो कौशल प्रदेश में जो राम जन्मभूमि कहा गई है वह इस अयोध्या को उन्होंने नहीं कहा है यानी एक तरफ से राम को काल्पनिक कहते हैं राम हुआ नहीं ऐसे भी कहते हैं दूसरी तरफ कहते कि वाल्मीकि का संस्करण सटीक नहीं है अब बौद्ध ग्रंथ है तो वो ग्रंथ को झूठा तो मान नहीं रहे मगर वहाँ पर वो कह रहे हैं कि बौद्ध ग्रंथ में जो कौशल प्रदेश को राम जन्मभूमि में कहा गया वो ये अयोध्या नहीं है यानी एक तरह से वो अयोध्या का अस्तित्व भी मानते हैं राम का भी मानते हैं और फिर कहते हैं वो काल्पनिक भी है तो ऐसे स्वयं ही भ्रम में यह कम्युनिस्ट इतिहासकार या शिक्षा भी दिखते हैं अब अयोध्या यह तो बौद्ध और जैनियों का भी एक पवित्र स्थान है और वह जितना इनके लिए पवित्र है उतना हिंदुओं के लिए नहीं है ऐसे भी उन्होंने कहना शुरू कर दिया और बाद में उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि अयोध्या तो बहुत लंबे समय तक हिंदू का तीर्थस्थल ही नहीं रहा है और जबकि हमें इस 800 वर्षों के इतिहास में पता चलता है कि बाबर का ये जो हरम में एक बाबरी नाम का कोई एक ये था उसने 15वीं शताब्दी में सोलहवीं शताब्दी में ये राम मंदिर को ढहकर वहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया है ऐसे स्पष्ट प्रमाण वहाँ पर मिलते हैं मगर फिर भी ये कह रहे हैं कि राम और अयोध्या यह तीर्थस्थल ही नहीं रहा है और वो आगे ये भी कहते हैं कि तेरहवीं शताब्दी के पहले भारत में कोई राम पंथ नाम की चीज़ ही नहीं थी अब मूल भूमि पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था किसी मंदिर को तोड़कर नहीं किया गया ऐसा एक नया उन्होंने तथ्य और भ्रम फैलाने के लिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचकर शुरू कर दिया और बाबरी में लगे जो वस्तु अवशेष वो अन्य जगहों से लाए गए थे और लगाए गए थे और वहाँ किसी मंदिर को ध्वस्त करके नहीं लगाए गए ऐसे भी उनका कहना शुरू हो गया अब 19वीं शताब्दी से पहले अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के विध्वंस का कोई संदर्भ नहीं है ऐसे भी उन्होंने एक झूठ प्रचारित करना शुरू कर दिया परंतु उनका यह भी आरोप था कि एक झूठी धारणा बनाई गई है कि मुस्लिम शासक हमेशा और स्वाभाविक रूप से हिंदू के पवित्र स्थानों के विरोध में थे और अभी यह जो दृश्य मीडिया पर यानी दूरदर्शन इत्यादियों पर जो रामायण इत्यादि जो दिखा रहे हैं वो सत्य नहीं है वास्तव नहीं है वो काल्पनिक है और वो अनुमानों के अलावा कुछ नहीं ऐसे उन्होंने बताना शुरू कर दिया जब इन कम्युनिस्ट विशेषज्ञ गवाहों को न्यायालय में प्रत्यक्ष गवाही देने के लिए बुलाकर न्यायाधीशों के सामने खड़ा करने के बाद जब उन्हें प्रश्न पूछे गए तब उनका झूठा प्रचार सामने आया यानी बाबरी एक्शन कमिटी तथा वक बोर्ड के द्वारा जो विशेष तज्ञ गवाह जिसको हम एक्सपर्ट एविडेंस करके जिनको मनोनीत किया गया था उन्होंने न्यायालय के सामने आने के पहले किस तरह से उन्होंने आरोप प्रत्यारोप और भ्रम फैलाना शुरू किया था वो तो हमने देखा है मगर इन्होंने जो आरोप प्रत्यारोप और भ्रम फैलाने का जो प्रयास किया वो न्यायालय में खड़े होने के बाद उनको जब उल्टे प्रश्न पूछे गए तब उनका झूठा प्रचार कैसे सामने आया वह समझ कर लेना हमारे दृष्टि से अत्यंत तो महत्व की बात है माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में इन तथाकथित जो विशेषज्ञ जो गवाह थे जिसको एक्सपर्ट एविडेंस कहा जाता है उनके बारे में जो स्ट्रिक्चर पास किए हैं उस संदर्भ में लिखते हुए माननीय न्यायालय लिखता है कि ये इन सभी के गैर जिम्मेदार बयान हैं ये जो कुछ बोल रहे हैं वो अत्यंत अविश्वसनीय बातें हैं और इसमें तथ्यों की जांच का अभाव दिखने के कारण स्वयं माननीय न्यायालय ने इन सभी तज्ज्ञ विशेषज्ञ जो गवाह थे उनको अच्छी सी फटकार लगाई थी और इस संदर्भ में यह भी जानकर हमें लेना आवश्यक है कि इन्होंने किस प्रकार की झूठी कहानियाँ रचाई थी और वो कैसे प्रचार कर रहे थे वो अब तथ्य हम समझ लेंगे जो एक राष्ट्रवादी इतिहासकार प्राध्यापक मीनाक्षी जैन है जिन्होंने स्वयं इस 5000 पन्ने के आदेश का माननीय न्यायालय के 5000 पन्ने के आदेश का अत्यंत अभ्यासपूर्वक पूर्ण अध्ययन करके बाबरी मस्जिद का पक्ष लेने वाले जो कम्युनिस्ट विशेषज्ञ ने गवाह थे एक्सपर्ट एविडेंस थे उनके संदर्भ के सभी सत्य उन्होंने समाज के सामने रखे हैं और यह अत्यंत अभ्यासपूर्ण बात है कि एक अभ्यासक ने उस न्यायालय के निर्णय का पूर्ण अभ्यास करके इनका पोल खोल किया है इन वामपंथी कम्युनिस्ट विशेषज्ञ गवाहों की पोल खोल इन्होंने की है उसमें सबसे पहले बात आती है कि जेएनयू की प्राध्यापक सुवीरा जयसवाल यह एक विशेषज्ञ इतिहास की गवाह बनकर न्यायालय के सामने प्रस्तुत हुई थी और न्यायालय में जब उन्हें कुछ प्रश्न पूछे गए तब उन्होंने न्यायालय में माननीय न्यायाधीश के सामने प्रामाणिकता से यह स्वीकार किया कि उन्होंने कहा कि मुझे तो उस बाबरी मस्जिद के संदर्भ में कुछ भी जानकारी नहीं है केवल न्यूज़पेपर में जो छपे हुए समाचार है उन समाचारों को पढ़कर मैंने जानकारी प्राप्त किया था इस प्राध्यापक ने न्यायालय के सामने यह भी स्वीकार किया और न्यायालय में शपथ के साथ यह बयान लिखित में दिया कि बिना किसी जांच तथा उस विषय के ज्ञान पर ज्ञान के आधार पर मेरा कोई वक्तव्य नहीं था मैंने जो कुछ वक्तव्य दिया था वो मेरे स्वयं के एक विचार के आधार पर मैंने वो वक्तव्य दिए थे और ये वक्तव्य आप अभी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं और ये कहती है प्राध्यापक सुवेरा जयसवाल जो स्वयं ये वामपंथी कम्युनिस्ट प्रभाव के जे में जो प्रोफेसर थी वो बनके तो विशेषज्ञ गवाह करके आई थी और उसका अगर बयान हम अभी हम पढ़ेंगे तो कितना हास्यास्पद था इनका बयान वो अभी हमको समझ में आएगा वे न्यायालय के समक्ष कहती है आई हैव रीड नथिंग अबाउट बाबरी मॉस्क I did not study thoroughly. Therefore, I cannot say as to when Babri Mosque came into existence. I cannot say as to what was there at the site before coming into existence of Babri Mosque. In my knowledge, no such evidence is found which may indicate that Babri Mosque was. Constructed after demolishing Ram Temple. Whatever knowledge I gained with respect to dispute site was on the basis of newspaper or what the other told. That is, from the report of historians. By historians' report, I means historians' report to nation. It is correct to say that I am giving statement on oath regarding Babri Mas. विदाउट एनी प्रूफ एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ माई नॉलेज रादर आई एम गिविंग स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ माई ओपिनियन यानी किस प्रकार का यह एक्सपर्ट एविडेंस करके ये जे एन यू के तथा कथित केमिस्ट प्रोफेसर आके न्यायालय का समय बर्बाद किया केवल न्यायालय का समय बर्बाद किया इतना नहीं तो राम मंदिर निर्माण की जो न्यायालय प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया को विलंब लगाने का कैसे प्रयास किया ये इस सुविरा जायसवाल के बयान से हमें पता चलता है अब दिल्ली विश्वविद्यालय के जो दूसरे एक इतिहासकार थे एस सी मिश्रा इन्होंने न्यायालय में क्या कहा उन्होंने कहा न्यायालय के समक्ष कहा कि मुझे यह पूर्ण रूप से पता नहीं है कि जिजिया कर किस लिए लागू किया था देखो जिसको जिजिया कर किस लिए लागू करते और जिजिया कर किसको बोलते हैं वही पता नहीं वो कम्युनिस्ट विचारधारा का एक इतिहास तज्ञ है और वो न्यायालय के समक्ष कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं है वो आगे कहता है कि तथा जिजिया कर किस लिए लागू किया था तथा केवल हिंदुओं पर ही जिजिया कर लागू किया था ये मुझे पता नहीं है आगे वो कहता है कि मैंने बाबरी मस्जिद का विवाद चालू होने के बाद इस विषय में पढ़ा तो है लेकिन कौन से पुस्तक में पढ़ा है इसका मुझे नाम ही याद नहीं आ रहा है अब इसका भी बयान आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं मैं उसका बयान फिर से आपको पढ़ के दिखाऊंगा पर अरबों रुपए भारत सरकार खर्च कर रही है और जहां पर ये वामपंथी इतिहासकार प्रोफेसर बन के बैठे हैं उनको ये छोटी छोटी बातें पता नहीं और वो एक्सपर्ट एविडेंस करके माननीय न्यायालय के समक्ष में कैसे वो समय गंवा रहे हैं न्यायालय का भी समय गंवा रहे हैं और न्यायालय प्रक्रिया का भी विलंब कैसे कर रहे वो अब हम समझ लेंगे ये मिश्रा जी कहते हैं न्यायालय के समक्ष आई हैव हर्ड ऑफ जिजिया टैक्स एट प्रेजेंट आई फेल टू रिकलेक्ट वेन एंड फॉर वॉट परपज इट वॉज लेविड आई डू नॉट रिमेंबर दैट द जिजिया वॉज लेविड ओनली ऑन हिंदूज वाह कैसे इतिहासकार है देखो वे आगे कहते हैं इट वॉज रॉन्ग टू से दैट औरंगजेब बिल्ड द गैन वॉपी मॉस बाय डिमोलिशिंग हाफ ऑफ द काशी विश्वनाथ टेम्पल आगे वे कहते हैं कि आई हैव रेड मैनी बुक रिटर्न फ्रॉम द टाइम ऑफ बाबरनामा टू नाइनटीन रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉबरी मॉस्क आई डू नॉट रिमेंबर द नेम ऑफ एनी बुक राइट नाउ यानी ये जो एक्सपर्ट एविडेंस करके न्यायालय के सामने है वो किसी तथ्य और रेफरेंस को न्यायालय के सामने देना ही नहीं चाहते और सीधा कह रहे कि मैंने कौन से पुस्तक से पढ़ा मुझे पता ही नहीं है आगे कहते हैं आई हैव डन डीप स्टडी अबाउट बाबरी मॉस आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ दिस डिस्प्यूट बट इन माय स्टडीज नो एविडेंस वाज फाउंड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी टेंपल एट दिस प्लेस तो ये जो मिश्रा जी थे ये सत्यवती कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से थे अलाहाबाद विश्वविद्यालय के डॉक्टर सुशील श्रीवास्तव ने अपने बयान में कहा था कि ऐसा कोई तथ्य मिला नहीं है कि श्री राम मंदिर का ध्वंस करके उस स्थान पर बाबरी मस्जिद बनाई गई है लेकिन जब उन्हें आगे पूछा गया तब उन्होंने कहा कि उन्हें ना तो पर्शियन भाषा आती है ना तो अरेबिक भाषा आती है ना संस्कृत का ज्ञान है उन्हें उन्हें तो उनके ससुर एस आर फारूकी ने सहायता किया था उन्होंने आगे बढ़कर यह भी स्वीकार किया था कि न ही उन्हें पुरातत्व का ज्ञान है ना वो पुरातत्व लेख उन्होंने पढ़ने की क्षमता रखते हैं तथा जमीन के संदर्भ सर्वे के संदर्भ में भी उन्हें कोई ज्ञान नहीं है और जिसे प्राचीन प्राचीनता के संबंध में किसी भी विषय का ज्ञान नहीं है ऐसे केम्युनिस्ट लोग इतिहासकार करके बन के बैठे हैं और ऐसे बुद्धिभ्रम वाले लोग एक एक्सपर्ट एविडेंस करके माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आकर अपना एक एक्सपर्ट एविडेंस दे रहे हैं तो ये बड़ी भारतीय न्याय व्यवस्था की विडंबना है हमारे विश्वविद्यालयों की भी बड़ी विडंबना है हमारे शिक्षा आ, की स्थिति जो है कि यहाँ पर कैसे कैसे लोग प्रोफेसर बन के बैठे और ये क्या सिखा रहे होंगे और बच्चे क्या पढ़ रहे होंगे तो हमारे शिक्षा का पोल खोल करने वाली ये बात है और यह जो कैम्युनिस्ट इतिहासकार जो बैठे हैं बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में वो यह एकदम विश्वास के साथ बता रहे थे कि बाबरी मस्जिद का निर्माण तो हुआ है मगर राम मंदिर का ध्वस्त करके निर्माण नहीं हुआ है यानी किस तरह से यह न्यायालय को गुमराह कर रहे हैं और वो जो अपना तर्क दे रहे हैं उसके लिए कोई प्रमाण भी वो प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं तो कैसे न्यायालय में झूठी गवाही देकर प्रभाव प्रभावित किया गया है इसमें डॉक्टर सुशील श्रीवास्तव ने तो आगे जाकर यह कहा है कि मेरी पत्नी का नाम मेहर अफसाना फारूकी है और उसके साथ निकाह के समय मैंने इस्लाम पंथ का स्वीकार भी किया है और उस समय मेरा नाम बदलकर साजिद रखा गया है लगातार अकड़ा वर्ष प्रयास करने के उपरान्त मुझे डॉक्टरेट की पदवी मिली है और वे आगे कहते कि मैंने द डिस्प्यूटेड मॉस्क हिस्टोरिकल इंक्वायरी यह बाबरी मस्जिद के विषय में एक मैंने पुस्तक भी लिखी है वो भी बताया इस पुस्तक के अलावा मैंने मध्यकालीन इतिहास के विषय में न तो शोध किया है ना तो कुछ मेरा अध्ययन प्रकाशित किया है और यह पुस्तक लिखने के उपरांत ही मुझे डॉक्टरेट की पदवी मिली थी तथा विश्वविद्यालय में रीडर की नौकरी भी मिली थी और उस समय विश्वविद्यालय के कुलगुरु कौन थे उस समय विश्वविद्यालय के कुलगुरु वाहूद्दीन मलिक और उस समय उस प्रांत के मुख्यमंत्री कौन थे तो मुलायम सिंह यादव तो श्रीवास्तव जी ने अपने न्यायालय के सामने जो साक्ष्य दिया था उसमें उन्होंने क्या बताया वो भी अभी हम समझ के लेंगे आप उसको अभी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं वे कहते हैं फ्रॉम द रिसर्च कैरिड आउट बाय मी आई फाउंड नो सच एविडेंस रिगार्डिंग दिस डिस्प्यूट साइड टू सजेस्ट दैट

जिनका धर्मांतरण के बाद नाम साजिद रखा गया था जिनकी पत्नी फारूकी की बेटी है और जिन्होंने यह इतना बड़ा एक सच्चा या झूठा पुस्तक लिखा पता नहीं चल रहा है मगर उन्होंने ऐसे तथ्य के आधार पर साक्ष्य देने के लिए न्यायालय के सामने आया जिसको जिस जिसमें उसको ना तो प्रमाणित मान सकते हैं ना तो उनको एक्सपर्ट एविडेंस करके एक्सेप्ट कर सकते हैं और माननीय न्यायालय को स्ट्रिक्चर पास करना पड़ा है कि इनको कुछ नॉलेज नहीं है इनको हम कॉग्निशन नहीं ले सकते हैं अब कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त जो प्रोफेसर सूरज भान थे उन्होंने भी यह स्वीकार किया था कि उन्हें ऐसा लगता है कि मूल रामायण तो तुलसीदास जी ने लिखी है और अलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो सेवानिवृत्त प्राध्यापक डी मंडल थे उन्होंने साक्ष्य देती समय यह स्वीकार किया था कि वे कभी अयोध्या ही गए नहीं है जिसके बारे में डिस्प्यूट चल रहा है परंतु तो उसके बारे में एक्सपर्ट एविडेंस देने के लिए ज़रूर वो न्यायालय में हाजिर थे तो बाबर के इतिहास में इतिहास के विषय में मुझे ज्ञान भी नहीं है ऐसे भी उन्होंने बताया और यज्ञ तथा वेदी किसे कहते हैं यह तो मुझे ज्ञात ही नहीं है ऐसे भी उन्होंने बताया इसके ऊपर जो दूसरे एक्सपर्ट एविडेंस आए थे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आर सी ठकरान उन्होंने बताया था कि उन्होंने जो कुछ पढ़ा है वो न्यूज़पेपर से ही पढ़ा है कि अयोध्या में बाबर ने मस्जिद का निर्माण किया है और एक इतिहास के रूप में इन वार्ताओं को मैं ज्ञान का माध्यम मानता हूँ परंतु उन वार्ताओं की प्रामाणिकता में सिद्ध नहीं कर सकता है यह है हमारे रिसर्च स्कॉलर इतिहास तज्ञ और बड़े बड़े विश्वविद्यालय के प्रोफेसर इनका सोर्स ऑफ नॉलेज ये हमारी मीडिया है और अभी मीडिया जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी में है ये ये येलो जर्नलिज़्म के लिए पेड न्यूज़ के लिए है और सबसे बड़ी बात है कि ये मीडिया वामपंथी कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित होने के कारण वो झूठे ही न्यूज़ ज़्यादा देती है प्रोपगणना ही न्यूज़ करती है गोबेल्स के ही टेक्निक के द्वारा वो न्यूज़ प्रकाशित करते हैं यह तथ्य धीरे धीरे सामने आ रहा है तो ऐसे अनऑथोराइज न्यूज़ पब्लिशिंग को वो अपना सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं तो सही में इनको इतिहासकार या इतिहास संशोधक या इतिहास शोधकर्ता कहना चाहिए कि ये एक्सपर्ट एविडेंस देने के लिए लायक है क्या यही प्रश्न उपस्थित होता है वे आगे कहते हैं मैंने इस विषय में किसी भी इतिहासकार की कोई भी प्रमाणित पुस्तक नहीं पढ़ी है वे कह आगे कहते हैं कि मैंने अयोध्या के स्थान पर कोई खुदाई नहीं किया है और मैंने अगर इसके संदर्भ कुछ खुदाई हुएगी तो उसके किसी भी पुस्तक का मैंने अध्ययन भी नहीं किया है मैंने किसी प्रयोगशाला में भी इस विषय का कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया है और यह मेरा निजी अनुभव है और मेरा ये निजी अध्ययन है उसके आधार पर मुझे इस विषय का ज्ञान है और देखो यानी अब इतिहास के बारे में उन्होंने कोई तथ्य पढ़े नहीं ना वो साइट पे गए ना एक्सकेवेशन किया वहाँ पर और वो कह रहे कि मेरा निजी अनुमान और अध्ययन के आधार पर वो इतिहास सिखा रहे यह हमारे भारतीय विश्वविद्यालय भारतीय शिक्षा पद्धति का ये जो स्वरूप है वो आपके सामने अभी पर्दाफाश हो गया है उनका क्या बयान था न्यायालय में अभी हम उसका न्याया बयान ही पढ़ लेते हैं इन न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स आई हैव रेड बाबर हैज़ बिल्ट अ मॉक्स इन अयोध्या एज ए हिस्टोरियन आई कंसिडर न्यूज पेपर एंड मैगजीन टू बी अ सोर्स ऑफ नॉलेज आई डिड नॉट सर्टिफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस आर्टिकल्स एंड मोनोग्राफ्स द फैक्ट हैज़ ऑलरेडी बीन सर्टिफाइड बाय द हिस्टोरियंस आई हैव नॉट रेड अ बुक ऑफ एनी हिस्टोरियन इन दिस रिगार्ड I myself never did any excavation in any field, and it will be wrong to say that I am not a field archaeologist. Rather, I am just a table archaeologist. I have not studied in any particular book on this subject. I have not gained knowledge of it in any science laboratory, too, but I have this knowledge on the basis of my experience and study. आर सी ठकरान दिल्ली यूनिवर्सिटी ये दिल्ली विश्वविद्यालय जे विश्वविद्यालय की स्थिति कितनी गंभीर है इतिहास विभाग की स्थिति कितनी गंभीर है और वो किसी तथ्य और प्रमाण वाले पुस्तकों के आधार पर नहीं तो स्वयं के एक अनुमान और स्वयं अध्ययन से जो मिल रहा है या ये जो थर्ड ग्रेड येलो जर्नलिज्म से पब्लिश होने वाली जो न्यूज़ है उसको वो सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं तो हमारे शिक्षा का स्तर कितना गिरा हुआ है कितना निकृष्ट है वही यह दर्शाता है और इससे भी भयंकर बयान जो दिया है जे से डॉक्टरेट की पदवी प्राप्त करने वाले और जो हैदराबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के कार्य कर रहे थे वो सुप्रिया वर्मा ने जो दिया है बयान उसके आधार पर हम समझ सकते हैं सुप्रिया वर्मा ने कहा कि यक्ष और यक्षी इन्हें केवल हिंदू शास्त्रों तक सीमित रखना अनुचित है वे कहते हैं बौद्ध धर्म में भी उनका उल्लेख आता है तो इसके संदर्भ में जब उनको प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बुद्धिज़्म में किसी भी ग्रंथ में यक्ष या यक्षि का उल्लेख तथा संदर्भ कहीं पर आया है ऐसा उन्होंने स्वयं कहीं पढ़ा नहीं मगर वो बता रहे हैं कि उसका संदर्भ बुद्धिज्म में है और फिर किसी एक हिंदू धर्म में है तो उसको हिंदू धर्म से आप संकुचित नहीं कर सकते उसको अन्य धर्मों को भी जोड़ दो ऐसे भी कह रहे हो ये कौन से इतिहास तज्ज्ञ है ये कौन से जे के विद्यार्थियों का नॉलेज है उन्होंने क्या न्यायालय में साक्ष्य दिया वो भी अब हम समझ कर लेंगे ये सुप्रिया वर्मा जी कहते हैं आई थिंक वेरी कैटेगोरिकली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से दैट सम ऑफ द फाइंड्स ऑफ ए एस आई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिलेट टू हिंदू रिलीजियस स्ट्रक्चर्स बिकॉज दिस फाइंड्स कुड वेल बी हैव हैविन पार्ट ऑफ प्लेसेस बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स जैन स्ट्रक्चर्स एंड इस्लामिक स्ट्रक्चर्स क्या कह रहे हैं वो आप ही समझ लीजिए इट इज़ रॉन्ग टू से दैट यूज ऑफ़ यक्ष और यक्षी इज ओनली लिमिटेड टू हिंदू धर्मशास्त्रा इन फैक्ट इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद बुद्धिस्ट रिलीजन परंतु आगे क्या कहते हैं बट आई कैन नॉट से वेदर द वर्ड यक्ष और यक्षी इज रेफर्ड और मैंशनड इन एनी रिलीजियस बुक ऑफ बुद्धिज़्म सुप्रिया वर्मा पी एच डी फ्रॉम जे एन यू हैदराबाद यूनिवर्सिटी देखो पीएचडी फ्रॉम जेएनयू प्रोफेसर फ्रॉम हैदराबाद यूनिवर्सिटी उनकी स्थिति क्या है और न्यायालय के सामने वो क्या तथ्य रख रहे हैं और न्यायालय को इन सभी एक्सपर्ट को का तथ्य अस्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा है तो उससे ओवरऑल हमारे विश्वविद्यालय की शिक्षा की जो निकृष्ट दर्जा है या हमारे शिक्षा के जो विद्यार्थी उनको नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे उनकी क्या स्टेटस होगी वो हमको इसमें से समझ में आता है इन सब कम्युनिस्ट इतिहासकारों के बयानों पर माननीय न्यायालय ने एक ही वाक्य में टिप्पणी दिया था कि इन किसी इतिहासकारों को विशेषज्ञ मानने का यानी एक्सपर्ट एविडेंस मानने की आवश्यकता नहीं लगती है और इस एक ही टिप्पणी से इन इतिहासकारों का इंटेलेक्चुअल कैलिवर एजुकेशनल कैलिवर या इनके कैलिबर से हमारे विश्वविद्यालय के एजुकेशनल स्टैंडर्ड का कैलिबर जो है वो भी हमें पता चल रहा है तो इन इतिहासकारों ने कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने जिस प्रकार से एक्सपर्ट एविडेंस के नाम पर न्यायालय को जो कुछ गुमराह करने वाला ज्ञान दिया था इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि यदि न्यायालय में चल रहे याचिका में ये कम्युनिस्ट के स्वयं घोषित इतिहास विशेषज्ञ बनकर इतना झूठा वो इतिहास न्यायालय के समक्ष प्रचारित कर रहे हैं तो प्रत्यक्ष में भारत के इतिहास में जो चाहे पाठ्य क्रमों में सिखाया जा रहा है वो विश्वविद्यालय में सिखाए जा रहे हो या जिसके बारे में शोध या अनुसंधान हो रहा हो उसमें इन्होंने किस प्रकार का निम्न स्तर का झूठा काल्पनिक मनगढ़ंत वामपंथियों को उपयोगी चले ऐसा भारत के विरोध में हिंदुओं के विरोध में हिंदू अपना स्वधर्म स्व संस्कृति भूल जाए इस तरह का कितना झूठा इतिहास लिखा होगा इसकी कल्पना ही करना बड़ा कठिन हो रहा है और अरुण शौरी जी ने उनके इस झूठ के विषय में अत्यंत अभ्यासपूर्ण अध्ययन करके कुछ जो सामने रखे थे तो उसमें वे हैं कि लखनऊ में नदवातुल उलेमा के जो मौलाना हकीम सैद अब्दुल इनके एक पुस्तक के उर्दू संस्करण ने स्वीकार किया है कि उन्होंने यह बताया कि लखनऊ के जो नदवातुल उलेमा के मौलाना हकीम सैद अब्दुल इनकी जो एक पुस्तक है उस पुस्तक के उर्दू संस्करण में इस मौलाना ने स्वीकार किया था कि हिंदू मंदिरों के स्थानों पर सात प्रसिद्ध मस्जिदों का निर्माण किया है ये एक मुस्लिम लेखक मौलाना के लेखक के उर्दू संस्करण के पुस्तक का तथ्य देकर उन्होंने बताया था तथा शौर्य जी ने आगे भी बताया था कि 2 सितंबर सोलह के मुगल जो अदालती दस्तावेज उपलब्ध हुए हैं जिसे मासीरी आलमगिरी कहा जाता है उसमें से एक अंश उद्घुत करते हुए उन्होंने बताया था कि बादशाह के आदेश पर अधिकारियों ने बनारस में काशी विश्वनाथ का मंदिर ढहाया था तो ये सब तथ्य उन्होंने सामने लाए तो इन सभी सेकुलर या कैम्युनिस्ट बुद्धिवादियों को एक तरह से साफ ही सूंघ गया था और वे चुप हो गए थे आज भी काशी के काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर जो नंदी का मुख है वो नंदी का मुख है वो उस दिशा में है जहाँ मंदिर को ढाकर ये मस्जिद ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई है तो आज भी जैसे शास्त्र ये कहता है कि जो नंदी का मुख होता है वो शिवपिंडी की ओर होता है तो मूल शिवपिंडी वाला जो मंदिर उध्वस्त किया गया था और जहाँ पर भी वर्तमान में ज्ञानवापी मस्जिद है तो उस मंदिर में अभी भी नंदी का मुख ज्ञानवापी मस्जिद के तरफ ही करके है और जो इस बात का साक्ष्य है इस बात का प्रमाण है कि वहाँ पर पहले मंदिर था जिसको ध्वस्त करके बाद में उस पर मस्जिद बनाई गई थी औरंगजेब ने उसके राज्य में सभी के ऊपर फतवाह आलमगिरी यानी शरीयत कानून के माध्यम से गैर इस्लामी लोगों के लिए जिज़िया टैक्स वसूलना शुरू किया जिजिया टैक्स यानि जिन गैर मुस्लिमों को औरंगज़ेब के राज्य में जीना है जीवित रहना है धर्मांतरित नहीं होना है या मृत्युदंड को सामने नहीं जाना है उनको जिजिया टैक्स भरना होता था और औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जो पुत्र थे हमारे छत्रपति संभाजी महाराज उनको कितने अत्याचारों के बाद कितने निर्दयता पूर्वक उसको मारा था कितनी निर्दयता पूर्वक उसकी हत्या किया था उनके परिवार को बंदी बनाकर कैसे रखा था इस बात का इतिहास क्यों नहीं बताया जा रहा है यह प्रश्न सभी के मन में आता है औरंगजेब और ने केवल हिंदू राजाओं के साथ ही नहीं तो वो इतना क्रूर कर्मा था तो उसने स्वयं के परिवार के साथ क्या क्या किया है कैसे अनन्वित अत्याचार और घृणित अत्याचार किया है वो भी हमको समझने की आवश्यकता है औरंगजेब ने सबसे पहले तो अपने पिता को कारागृह में बंदी बनाकर डाला और उसकी गद्दी हत्या ही सत्ता पे आया स्वयं का भाई जो दारा शुक्र जिसको सनातन धर्म की वेदों की उपनिषदों की महत्व पता चलने के बाद जब वो संस्कृत अध्ययन के माध्यम से सनातन धर्म के तरफ मुड़ रहा था तो स्वयं के भाई दारा शिकोह की उसने हत्या कर दिया था और दारा शिकोह की हत्या करने के बाद उसके पत्नी को स्वयं के हरम में रख लिया स्वयं के हरम में रख लिया यानी अब वो उनकी पत्नी करके उनकी बीवी बन के उनके जनहान खाने में गई थी तो यह सब इतिहास ज्ञात होते हुए भी ये जो कैम्युनिस्ट इतिहासकार है वो भारतीय पाठ्यपुस्तकों में विश्वविद्यालयों में या इतिहास के बारे में जो अनुसंधान शोध कर रहे या जो आर्टिकल्स लिख रहे और ये जो वामपंथी मीडिया उसको छाप छाप कर उसको महिमा मंडित कर रहे उसमें यह कम्युनिस्ट इतिहासकार औरंगजेब को दयालु बादशाह होकर भी सामान्य जीवन जीने वाला अर्थात पीर इस तरह का महिमा मंडित करके वो लिखाण कर रहे तो ये झूठा इतिहास क्यों सत्य क्यों नहीं बता रहे यह प्रश्न तो अनुत्तरित ही रह जाता है आज जर्मनी में हिटलर ने जो जू पर अत्याचार किए थे उसके कारण कहीं पर भी वर्तमान में उसको गौरवान्वित नहीं किया जाता है हिटलर का नाम जर्मन देश में किसी वास्तु को या किसी रास्ते को देने की हिम्मत आज तक वहाँ की कोई व्यक्ति नहीं कर पाई है परंतु हमारे देश का दुर्भाग्य यह है हमारे देश को ऐसे सेक्युलर वामपंथी राज्यकर्ता मिले ऐसे विहीन प्रेम भीन ऐसे सेक्युलर वामपंथी राज्यकर्ता मिले जिन्होंने हमारे देश की राजधानी दिल्ली के मार्गों को कहीं औरंगजेब का नाम दिया है तो कहीं महाराष्ट्र और बिहार में औरंगजेब के नाम से जिले के नाम हमें मिलते हैं तो किस प्रकार के हमें भारत विरोधी राष्ट्र विरोधी विचारधारा की ये राज्यकर्ता हमें स्वतंत्र भारत में मिले थे वही हमारे सामने प्रश्न बन के उभरता है तो इस नाम को जब भी बदलने की बात स्थानिक राष्ट्रभक्त राष्ट्र प्रेमी देश प्रेमी लोग करते हैं तो ये जो सेक्युलरवादी जो है या कम्युनिस्टवादी वामपंथी विचारधारा के जो राज्यकर्ता है सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स है सो कॉल्ड मीडिया पर्सनस है सो कॉल्ड जो की पर्सनस है जिन्होंने बड़े-बड़े जिम्मेदारियों के पदों पर अपना पद लेकर बैठे हैं वे तुरंत इसके नामांतरण को विरोध करना प्रारंभ करते इसका मतलब ये जो सेक्युलरवादी है ये जो कम्युनिस्ट वामपंथी विचारधारा के है, चाहे वो इतिहासकार हो चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हो चाहे वो आ, एजुकेशन सिस्टम के रिस्पॉन्सिबल पर्सनस हो उनका प्रेम छत्रपति शिवाजी नहीं छत्रपति शिवाजी महाराज जी नहीं तो औरंगजेब आक्रांता औरंगजेब के साथ है इनका प्रेम महाराणा प्रताप से नहीं तो आक्रांता अकबर के साथ है यह स्पष्ट होता है और इससे यही हमें ध्यान में आता है कि इस वामपंथी इतिहास तज्ञों ने एक तरह से पूर्वक न्यायालय का भी समय गवाया राम मंदिर के न्यायालय प्रक्रिया को भी विलंब 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 कराने का प्रयास किया है और इस तरह के जो उनके तज्ञ एक्सपर्ट एविडेंस आए थे इतिहास के जिन्होंने तो भारत के शिक्षा व्यवस्था की फोल खोल कर दिया हमारे विश्वविद्यालय के एजुकेशन स्टैंडर्ड की पोल खोल दिया हमारे शिक्षा में जो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है उनके इंटेलेक्चुअल लेवल्स और इनके एजुकेशनल और टीचिंग स्टैंडर्ड की पोल खोल किया है तो ऐसे देश को बर्बाद करने वाली शिक्षा व्यवस्था देश को बर्बाद करने वाले हाफ नॉलेज के प्रोफेसर्स और ऐसी शिक्षा पद्धति इन्होंने सत्तर वर्ष में देश का कितना नुकसान किया होगा वो समझना ही कठिन है कार्तिक जी और इसलिए ये वामपंथी विचारधारा का षड्यंत्र उजागर करके समाज के सामने लाना आवश्यक है जीत सत्य की ही होती है अंतिम जीत सत्य की होती है वामपंथ के सभी षड्यंत्रों का पर्दाफाश करते हुए आज न्यायालय का निर्णय केवल हिंदुओं के और राम जन्मभूमि के पक्ष में आया इतना ही नहीं तो पाँच अगस्त को राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास होकर राम मंदिर की स्थापना की भी प्रारंभ हुई है राम मंदिर से राम राज्य की स्थापना की प्रक्रिया का आरंभ हुआ है और थोड़े ही समय में भारत हिंदू राष्ट्र करके घोषित होगा थोड़े ही समय में भारत एक विश्व गुरु बन के सामने उभरेगा और उसके पहले के ये जो तीन चार वर्ष है ये अत्यंत विकट और भयावह है विश्व युद्ध के लिए हमें सामने जाना होगा विश्व युद्ध के साथ बाह्य और अंतर्गत अराजकता का हमें सामना करना होगा और उसके लिए हमें सक्षम बनना होगा हम भारत सरकार और प्रशासन से लेकर सभी नागरिकों को, को हम आह्वान करते हैं कि आप एकजुट और संगठित हो जाए देश की चाहे अंतर्गत रक्षा हो या बाह्य रक्षा हो जो देश की साधन संपत्ति को जलाएगा जो देश पर आक्रमण करेगा जो देश के साथ युद्ध पुकारेगा उसको सबक सिखाने के लिए सभी को एकजुट और संघर्ष करने के लिए तैयार होने की आवश्यकता है इसी आह्वान के साथ मैं भगवान के चरणों में यही प्रार्थना व्यक्त करता हूँ कि हम सबको सद्बुद्धि दे शक्ति दे हम पर कृपा करें हम अपने राष्ट्र को अंतर्बाह्य रक्षा कर पाए हमारे राष्ट्र की जो धरोहर है हमारे धर्म संस्कृति मंदिर है हमारी परंपराएं हैं हमारा गौरवशाली इतिहास है हमारी ये जो आर्कियोलॉजिकल जो मॉन्यूमेंट्स हैं इन सब की आप रक्षा कीजिए और एक नए भारत के निर्माण के लिए हमें कृपा और आशीर्वाद दीजिए इसी विषय के साथ मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ आप सभी को नमस्कार जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी आपने जो सत्य बातें आज हमारे सामने रखी है शायद से ये हमें पता भी नहीं होगी किस प्रकार से हमारे राम मंदिर का निर्णय को विलंब लाने का प्रयास इन लोगों ने किया था ऐसे इतिहासकारों को खड़ा कर दिया जिनको ना इतिहास के बारे में इतनी जानकारी थी ना कुछ तथ्य उनके पास थे ना वो आर्क्योलॉजी के बारे में कुछ जानते थे ऐसे कुछ भी पता ना होते हुए भी केवल वो प्रक्रिया जो है न्यायालयीन प्रक्रिया में विलंब डालना निर्णय प्रक्रिया आगे आगे बढ़नी चाहिए इसके लिए उसमें बीच बीच में कुछ ना कुछ तो सूत्र डालते रहना इस प्रकार से एक गलत और गंदा प्रयास इन वामपंथियों ने किया है और उसी का परिणाम ऐसे हुआ कि इस प्रक्रिया को विलंब लगा परंतु माननीय न्यायालय ने जब इस प्रकार से जो जिसमें कुछ तथ्य ही नहीं है इस प्रकार से उन्होंने बातें सामने रखी थी तो न्यायालय ने उनको फटकार लगाई और स्ट्रिक्चर्स पास किए कि इनकी तरफ ध्यान देने की भी आवश्यकता नहीं है इस प्रकार से इन्होंने तथ्य इन वामपंथी इतिहासकारों ने हमारे न्यायालय के सामने रखे थे तो ये सत्य बातें हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है कि जो हम सबके आराध्य है भगवान श्री राम जी उनका मंदिर ना बने तो केवल हिंदू विरोध और हिंदुओं के बारे में मन में अत्यंत घृणा होने के कारण किस प्रकार से हिंदुओं के मंदिर बनने ना दिया जाए इनकी श्रद्धा को कैसे हम जमीन दोस्त कर सकते हैं ऐसा ये गलत प्रयास इन वामपंथियों ने किया तो इनकी सच्चाई आज हमारे सामने उजागर हो रही है आज सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी ने हमें इतनी महत्वपूर्ण और सत्य बातें बताई जो आज तक हमें पता नहीं होगी क्योंकि तो ये न्यायालय प्रक्रिया चल रही थी और इन्होंने इस प्रकार से हमारे सामने ऐसे षड्यंत्र किया हुआ है तो ये हम समझ कर लेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक इन वामपंथियों की इन कम्युनिस्ट लोगों की इन कम्युनिज्म की सच्चाई हमें लानी ही होगी और तभी ही हम हमारे समाज को हमारे हिंदुओं को हमारे युवाओं को हम जागरूक कर सकते हैं और इनकी सत्य इनका जो चेहरा है वो हम लाने का प्रयास करेंगे मैं सभी दर्शकों से ये अनुरोध करता हूँ कि ये जो वास्तविकता आज हमारे सामने आई है इसको अधिक से अधिक लोगों तक आप पहुँचाने का प्रयास कीजिए ये सत्य बातें हमारे हिंदू समाज तक जाए इसके लिए आप जो ये धर्म संवाद का कार्यक्रम देख रहे हैं इसको अधिक से अधिक लोगों तक आप फॉरवर्ड कीजिए और वॉच पार्टी कीजिए ऐसे में आप सभी से निवेदन करता हूँ आपके ये विषय सुनते समय यदि कोई सुझाव हो तो आप अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं और यदि आप इस कार्य में हमारे साथ राष्ट्र निर्माण के कार्य में या जागृति के कार्य में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो अपना नाम अपना संपर्क क्रमांक एवं अपने जिले का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य दे सकते हैं हम आप सभी लोगों तक पहुंचने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से धर्म संवाद का आज का यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ ऐसे मैं घोषित करता हूँ नमस्कार